हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके लिए मैं एक जॉब यहाँ पर लेके आ चुकी हूँ, जो कि J&K की यहाँ पर जॉब रहेगी। ठीक है, ऑल इंडिया से कोई भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 3/4/2023 से जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/5/23 को जो है यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, बेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट रहेगी और ये सब, ये डेट आपको दी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पर इस फॉर्म के लिए करेक्शन फॉर्म भी जो है यहाँ पर वो भी दिया जाएगा। कौन सी तारीख है यहाँ पर, 8। ठीक है, 8 तारीख को आपको अगर लगता है कि कोई भी हमारे फॉर्म में जो है मिस्टेक है, ठीक है, तो आप फिर भी जो है 8 तारीख को आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम इसमें 2 रहेंगे, Tier 1 और Tier 2। ठीक है, और CBT एग्ज़ाम रहेगा, जो कि Tier 1 है वो जुलाई में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और जो Tier 2 होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये है आपके लिए यहाँ पर SSC CGL के लिए जो पोस्टें आउट की गई हैं, यहाँ पर 7500 पोस्टें हैं। ठीक है, 7500 काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है आप अप्लाई कर लीजिए। वैकेंसी जो है ग्रुप बी और सी में रहेगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इस ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कशन और क्या कैसे एग्ज़ाम रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, ठीक है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन फीस जो है आपकी यहां पर 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, ओनली जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए SC ST वुमेन एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए कोई भी जो है फीस नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखिए वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो ग्रुप बी में जो भी कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई करना चाहता है ग्रुप बी में, तो कौन कौन सी पोस्टें हैं ये आप यहां पर देख लीजिएगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन, ये सब आपको यहां पर पोस्टें दी गई हैं, और पोस्टों के हिसाब से जो है अलग अलग यहां पर एज आपको दी गई है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है हमारे थ्रू भी यहां पर जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नंबर दिया गया है 8082874110। ठीक है, ये आपको नंबर दिया गया है। अगर आप कैंडिडेट्स यहां पर इंटरेस्टेड हैं ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 3 तारीख को जो है यहां पर लास्ट डेट है, तो आपको जल्दी से अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट का वेट जो है यहां पर नहीं करना है, तो हम आपका यहां पर जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास यहां पर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री का मतलब आपका यहां पर ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये काफ़ी सारी पोस्टें देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सारी जो है पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर की भी है, जिसमें 20 से 30 आपको एज मांगी गई है। ठीक है, ये इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ग्रुप सी की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग पोस्टों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और एज भी आपको यहाँ पर दी है, और क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, ये मैं आपके लिए जो है यहाँ पर शॉर्ट नोटिस लेके आई हूँ, क्योंकि PDF जो है वो 75 पेजेस की है, 75 पेजेस की है, वो आपको मैं टेलीग्राम पर भेज देती हूँ। अभी आप फिलहाल वहाँ पर जो है PDF पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा हम PDF में भी देखेंगे अभी फिलहाल इसी वीडियो में, बट आपको जो है शॉर्ट नोटिस पर मैं लेके आई हूँ यहाँ पर कि एज लिमिट देखिए। अब यहाँ पर एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32 जो है एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी SC ST वालों को, देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल की OBC 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्व्ड 10 और PWBD OBC का 13, SC ST का PWD 15 साल की, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की यहाँ पर आपको देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो ऑफिशियल PDF यहाँ पर आया है, ये रहा आपका यहाँ पर ऑफिशियल PDF। यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पे लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपका पे लेवल यहाँ पर रहने वाला है, ये डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा, और ग्रुप कौन सा आता है, और नॉन गैजेटेड पोस्टें हैं, और ये आपको एज यहाँ पर दी गई हैं। डिटेल में इस PDF को देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो हम आपको यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर देंगे। घबराइए मत, अगर दूर से हैं कहीं जाना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये आपको एज लिमिट यहाँ पर मैंने बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर और बात करेंगे कि आपकी जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आपको मैं बता देती हूँ, कंफर्म कर देती हूँ। ये देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो BA, ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से कोई भी यहाँ पर। ठीक है, अब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर BA। अब यहाँ पर जो है आपको अलग अलग, ये देखिए आप यहाँ पर पूरे PDF रीड कीजिए, अलग अलग पोस्टों के लिए जो है आपको यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको मांगी गई है, बट यहाँ पर ग्रेजुएट जो है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अदरवाइज़ हमारे थ्रू यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते करोगे, तो यहाँ पर ये आपको जो है वेबसाइट दी गई है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर
ये आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है टायर वन टायर टू रहेगा, टायर वन में भी एमसीक्यूज़ आएंगे और टायर टू में भी एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए ये देखिए टायर वन का जो है ये सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है, इंटेलिजेंस से इंग्लिश दे सब एक घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये टायर टू का आपका यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर और बात करेंगे हम यहाँ पर देखिए एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब ये देखिए जब आपको जो है फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, मैट्रिक का और टेंथ का और ट्वेल्थ का यहाँ पर आपको मार्क्स कार्ड देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिग्री आपको यहाँ पर देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी कोई है तो आपका वो भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सब जो है एक्स सर्विस मैन के लिए है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर मैंने बताया एक्स सर्विस मैन के लिए जो है ये रहेगा, ठीक है, ये डिस्चार्ज कॉपी ये सब एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर जो है आपकी हाइट मिनिमम जो है मैक्सिमम हाइट आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो इसमें हाइट आपको 175.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर जो है इनको रिलैक्सेबल मिलेगी जो कि गरवालीज असामीज गोरखाज, ठीक है, और एसटी कैटेगरी के हैं। अब फिजिकल टेस्ट जो रहेगा इन कैंडिडेट्स का यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग है 15 मिनट में और साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए इसी में सब इंस्पेक्टर में तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए, 48 इनका केजी वेट चाहिए और इनको हाइट रिलैक्सेशन भी मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर। और इनका जो एग्ज़ाम जो इनकी रनिंग रहेगी वॉकिंग रहेगी इनकी 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग रहेगी इनको 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो है यहाँ पर अगर कोई अलग सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इनकी हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन की भी वुमेन की भी और इनको 5 सेंटीमीटर जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अब चेस्ट की बात की जाए तो 76 सेंटीमीटर जो है विद एक्सपेंशन जो है आपको यहाँ पर खुला के पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए विजन आई साइड जो आपका है वो आपका जो है यानी कि अगर आप ऐनक लगाते हो या स्पेक्स ग्लासेस लगाते हो तो वो आपको वहाँ पर उतार देनी है। 6x6 जो है 6x9 जो है यहाँ पर आपकी जो है आईज विजन होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो पोस्ट इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उनकी हाइट यहाँ पर आपको दी गई है और चेस्ट भी और विजन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये PDF आप पूरी रीड कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी आपको इस पोस्ट के लिए इतनी इतनी यहाँ पर हाइट चेस्ट वेट मांगा गया है, ठीक है, ये विजन आपको दिया गया है, ठीक है। सो ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर जाके ज्वाइन कीजिए। और अगर यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करना है तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर लीजिए, मैंने आपको नंबर जो है स्टार्टिंग वीडियो में आपको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। सो ये थी जॉब की अपडेट, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।